नमस्कार दोस्तों, क्लिपर 28 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शैलेश पांडे जी, जो बिलासपुर सीवी रमन विश्वविद्यालय में कुल सचिव के तौर पर काफी वर्षों तक अपनी सेवा दे चुके हैं और इन दिनों कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर ये चर्चा में बने हैं। तो शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो एक शेर के साथ मैं इस साक्षात्कार की शुरुआत करने जा रहा हूं। बड़ी ही अलग है राजनीति की जबान, अगर लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना। शिक्षा और राजनीति, ये दोनों बहुत ही अलग क्षेत्र हैं जी। राजनीति से आपके परिवार का भी किसी तरह का ताल्लुकात नहीं रहा है अभी तक जी। आप भी काफी सालों तक शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे जी। तो राजनीति में आने का निर्णय आपने अचानक से कैसे लिया और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही शामिल होने की आपकी रुचि क्यों थी? मैं सोशल बहुत काम करता था और विश्वविद्यालय में 12 वर्षों तक सेवा करी मैंने जी। और विश्वविद्यालय को मैं पूरे समाजों में लेकर जाता था, सभी एक्टिविटीज में मैं शामिल होता था। विश्वविद्यालय का मैंने एक लिंकेज बनाया था सोसाइटी के जी। तो सभी सोसाइटी, फिर खेल को सांस्कृतिक और शिक्षा का क्षेत्र था ही, धर्म के क्षेत्र में भी मैं काम करता था। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो सोशल तो था ही पहले से। इस कारण से एक मन में भावना थी कि मैं राजनीति में जा सकता हूँ। दूसरी बात ये भी थी कि कांग्रेस पार्टी में क्यों गया। तो कांग्रेस पार्टी एक देश की सबसे पुरानी, सबसे वरिष्ठ पार्टी है जी। और जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में। अच्छा, और इसके पीछे आपका कुछ और उद्देश्य था कि सिर्फ एक वरिष्ठ पार्टी जो कि भारत में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही है, तो उसकी वजह से आप इस राजनीति में आए? भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों की मैंने सरकार देखी है जिसमें कि भ्रष्टाचार, घोटाले मैंने सबसे ज्यादा देखे, और जिस प्रकार से प्रदेश में परेशानियां आ रही हैं डेवलपमेंट के नाम पर, इतना पॉलिसीज हैं लेकिन उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है जी। शहरों के डेवलपमेंट हो नहीं पा रहे, विशेष रूप से हमारे बिलासपुर में तो बहुत परेशानी है। तो बिलासपुर में जितनी परेशानियां हैं, चाहे वो रोड डेवलपमेंट हो, चाहे सीवरेज का हो, चाहे वहां पर कोई भी चीज हो, तो पिछले 20 वर्षों में, 15 वर्षों में बिलासपुर का तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ जी। यानी कि हम बिलासपुर में बहुत पीछे जा चुके हैं। तो ये सभी चीजें थी जो मुझे लगा कि हमें राजनीति में जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी एक सशक्त पार्टी है, मजबूत पार्टी है, और मेरा भी एक योगदान इस देश की सेवा के लिए, समाज के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में गया जी। अभी जिस तरह से देश में भाजपा की एक हम लहर बोल सकते हैं वो चल रही है, सब जगह भाजपा की सरकार बन रही है, तो इस वक्त आपका कांग्रेस में आने का निर्णय क्या आपको उचित लगता है, जब भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो सपना संजोए है इस वक्त, उसके मद्देनजर? मैं शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य जी जो हैं, श्री निष्ठानंद सरस्वती जी, जगत गुरु हमारे, मैं उनका शिष्य हूँ और अजित तिवारी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। मुझे उनकी बातें, वो जिस प्रकार से राष्ट्र की कल्पना करते हैं, जिस प्रकार से राष्ट्र को वो देखना चाहते हैं कि किस हमारे देश में किस तरीके से पॉलिटिशियंस को देश को रन करना चाहिए, धर्म का साथ लेते हुए, वैदिक चीजों को साथ करते हुए हमें करना चाहिए, इस प्रकार से हम देश को चला सकते हैं। तो मुझे उनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा कि वो राष्ट्र के हित की बात करते हैं, और इस कारण से मैं कांग्रेस पार्टी में आया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी हिंदुत्व की ठेकेदारी नहीं करती कोई जी। वो राम, भगवान राम की ठेकेदारी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी ये सब काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को मानती है, सभी के साथ काम करती है, उसने कभी जात पात धर्म के नाम पर इस देश में दंगे नहीं करवाए कभी, इसलिए मैं पसंद करता हूं कांग्रेस को जी। और अगर उन्होंने कांग्रेस का मुक्त करने का जो उन्होंने अभियान किया हुआ है, तो देखिए ये तो जनता को सोचना है कि उसे किससे चुनना है जी। और
ये तो होता रहता है कि कभी किसी की सरकार 10 साल रहती है, किसी पार्टी की, फिर किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है, तो जनता सभी को अवसर देती है जी, सभी को अवसर देती है। तो अभी वो भाजपा को अवसर दिया है उन्होंने, फिर कांग्रेस को फिर अवसर देगी इस देश की सेवा करने का। जी ये बात है कि जनता तो सब कुछ जानती है, हमारी पब्लिक बहुत होशियार है। और 2018 के चुनाव में आपको कांग्रेस से क्या उम्मीदें हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे मिनिस्टर भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त हो चुके हैं, किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं, उनको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भारतीय जनता पार्टी की हो गई जो कि फेल हो चुकी हैं, और केंद्रीय नेतृत्व में भी चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, इसको लेकर नीचे कभी कोई अच्छा मैसेज नहीं है, लोग उससे खुश नहीं है, बोल अभी नहीं रहे ये अलग विषय है, लेकिन जिस दिन बोलने का वक्त आएगा उस दिन जनता बोल देगी। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें 2018 में विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, और मैं पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वे करके देख चुका हूं कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहते हैं। आपको पार्टी की तरफ से टिकट मिलने का किसी तरह का आश्वासन मिला है अभी तक? देखिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से ज्वाइन करी थी, और मैंने अपने जीवन का सब कुछ छोड़कर सब कुछ कांग्रेस पार्टी को देने के लिए मैं अपना आया हूं, तो मैं इस आश्वासन से नहीं आया हूं कि मुझे टिकट दी जाएगी, और ना ही मैंने ऐसा कोई बात रखी है। पार्टी का निर्णय होगा, हाई कमान का निर्णय होगा, वो चाहेंगे कि ये हमारा कार्यकर्ता है इसको टिकट देनी चाहिए तो वो देंगे, उनको नहीं लगता है तो वो नहीं देंगे। इसके लिए मैं अपने मन में किसी प्रकार का वो नहीं रखे हुए कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी यदि हम मान लें कि आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है तो आप बिलासपुर की सीट से लड़ना पसंद करेंगे या फिर आप कोटा को तवज्जो देंगे? कांग्रेस को ये तय करना है कि उससे टिकट कहाँ से मुझे देनी है। मैं चूंकि बिलासपुर जिले में रहता हूँ इसलिए बिलासपुर जिले में बहुत सारी सीट्स हैं, और उन सीट्स में कोटा भी है, बिलासपुर भी है, बिलतरा भी है जी, बिल्हा भी है, तखतपुर भी है, ये जहाँ से वो चाहेगी वहाँ से देगी। कोई ऐसा क्षेत्र को लेकर मेरे मन में कोई ऐसा वो नहीं है कि मैंने किसी प्रकार का फिक्स किया हुआ है, जहाँ से पार्टी लड़ाएगी वहाँ से लड़ लेंगे चुनाव। अभी 2 महीने में पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होने को हैं, तो प्रदेश अध्यक्षता के लिए आपको कौन सा नाम पार्टी की तरफ से बहुत प्रभावी लगता है? हमारे अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में कलेक्टिव लीडरशिप दी हुई है, और इसमें पीसीसी चीफ हमारे माननीय भूपेश बघेल जी हैं, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे टीएस सिंहदेव साहब हैं, तो दोनों लोगों की और चरणदास महंत जी और बाकी हमारे सीनियर लीडर, ये सभी मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो जो वर्तमान टीम काम कर रही है वो अभी बहुत अच्छी टीम काम कर रही है, मुझे लगता है कि इस टीम को डिस्टर्ब करना चाहिए जैसा है, मुझे लगता है कि इसी से हम आगे जा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ शैलेश पांडे जी जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। तो शैलेश जी बहुत सारे सवाल हुए, आपने बड़ी गंभीरता के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। तो दुनिया में 2 चीज़ों की बहुत कमी होती है, वक्त और जगह। वक्त निकालना पड़ता है और जगह बनानी पड़ती है, तो आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच जगह बनाने हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी में भी आप एक अच्छे नेतृत्व के रूप में अपने चेहरे को उभार पाएं। तो आपके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्लिपर की तरफ से। थैंक यू। तो दोस्तों बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप अपडेट करते रहिए क्लिपर 28 डिजिटल मीडिया। नमस्कार।